वहाँ पीछे है मेरा घर उस साइड ये पूरा, और मैं जा रहा हूँ नहर की तरफ। ये देखिए जो चिल्ला रही हैं, ये मेरे दादू के कजन भाई की वाइफ है, मतलब मेरी दादी, दूसरी दादी, कजन दादी। दादी नमस्ते। आज सुबह अबे थोड़ी देर पहले कैसी हैं? कैसी हैं? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? रिकॉर्डिंग बोला, रिकॉर्डिंग ना ना। अरे निमन ये देखिए सब नहर पार कर रहा है। यहाँ नहर कूद के आप स्विमिंग करके हम बहुत आगे तक जाते थे, वहाँ पे ट्रेन की पटरी है। एक भैंस स्विमिंग कर रही है यहाँ पे, अभी वो उस जगह से नीचे स्लाइड मार के आई और एकदम डाइव मारा अंदर। तो सिद्धार्थ भैया को बहुत मज़ा आ रहा है, वो अपने सभी दोस्तों को बोल रहे हैं कि भाई सब शहर की मोहमाया से दूर है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे खेत हैं, हमारे मतलब मेरे दाऊ दादी के, वहाँ पे हमारा बगीचा है, आम का पेड़ है बहुत सारे वहाँ पे हमारे, वहाँ पे सागौन के पेड़ हैं। सागौन की लकड़ी आपने सुनी होगी, सागौन की लकड़ी मिलती है, सबसे बेस्ट लकड़ी मानी जाती है। तो वहाँ पे हमारा सागौन की, अब सागौन का बहुत बड़ा ज़मीन है जहाँ पे सागौन के पेड़ उगे हुए हैं, उगाए हैं हमने। ये नहर के बगल का एरिया है, ये नहर में पानी अभी गंदा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पहला पानी आया है, अभी पहला वेव, तो थोड़ा सा गंदा है, बट अभी सेकेंड वेव में पानी साफ़ आ जाता है बिल्कुल, तब बच्चे यहाँ पे बहुत सारे स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं। ये मैं जा रहा हूँ अपने बगीचे की तरफ, यहाँ पे ये पूरा बगीचा है इधर, बहुत फैसिनेटेड हो गए सिद्धार्थ भैया। सो मच ग्रीनरी, सो मच पीस, द प्लेस इज This place is so beautiful कि यहाँ पे बहुत सारा टाइम अपने आप को दे सकते हैं आप, अपने सामान अपने गेयर्स इकट्ठा करिए, आके रहिए और अपने पे समय अपने पे टाइम दीजिए और अपने आप को बना के फिर शहर जाइए, धूम मचाइए। वो है बगीचा, वहाँ पे पेड़ है और सारे आम के पेड़, और वो है हमारे सागौन वाली ज़मीन जहाँ पे आपको सागौन के पेड़ दिख रहे होंगे ये सब। तो अभी बगीचे और नहर का सेशन ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, फिर हम जाएंगे जहाँ पे दादा दादी अभी रहते हैं, गोरखपुर, जो मेरा बेसिक नेटिव तो मेरा ये है, बट अभी जो मेरा नेटिव है जहाँ हम आगे रुकते हैं वो गोरखपुर है जहाँ पे मेरे दादा दादी रहते हैं। ये तो गांव है हमारा, बट मेरा नेटिव, अब मैं कैसे बताऊँ, ये भी नेटिव भी है और गोरखपुर भी नेटिव है, बट गोरखपुर में हम अभी रहते हैं, मतलब हम नहीं दादा दादी, वो मेरे कज़न दाऊ दादी बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं लग रहा है। तो अभी हम अपने गांव से फिर अब जाएंगे गोरखपुर, जो कि जहाँ पे मेरे दादा दादी भी रहते हैं, तो विल बी एंजॉइंग देयर वेरी सून। तो बेसिकली हुआ क्या, व्लॉग बनाने की मैं हिम्मत जुटा रहा था तो सिद्धार्थ भैया ने हमें इंस्पायर किया, हमें हिम्मत दी, तो हम बैकवर्ड व्लॉग बना रहे हैं। मैं गांव पहुंच के यहां पे अपने मेन गांव जो हमारा मेन नेटिव है
हमारे गांव पहुंच के मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैं बैकवर्ड व्लॉग बना रहा हूँ थोड़ा सा उल्टा। तो मतलब अपने गांव से लेकर के अपने लखनऊ तक की जर्नी दिखाऊंगा, हमारा गांव से लेकर लखनऊ तक का जितना भी हमारे चीज़ें हैं पूरी जर्नी में। तो ये हमारा गाँव था, नहर के आगे यहाँ से हमारा गाँव जाता है, मतलब हमारा गाँव है पूरा ये, आगे वहाँ हमारा घर है जहाँ मैंने अभी आपको दिखाई थी सारी चीज़ें। तो अभी हम चलते हैं गोरखपुर। तो मेरे को भैया के व्लॉग से ना बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं। तो जो मैंने सागौन, मैंने तुमसे बोला था कि जैसे ही तुम yes. एक बार बस चालू करना होता है, बस exactly. करने की देरी होती है। बिल्कुल बस मूव होता है। हाँ, तो सागौन के बारे में बात हो रही थी, जो मैंने आपको अपना खेत दिखा था सागौन वाला। तो उस सागौन के पेड़ से लकड़ी निकलती है, लकड़ी बनती है, तो उस लकड़ी का जो बना है चीज़ें वो हमारे गोरखपुर में पूरा सागौन की लकड़ी यूज़ हुई है सारे कामों में, सारे लकड़ी के काम में, सारे फर्नीचर्स हमारे सागौन के लकड़ी से बने हैं। तो मैं आपको अभी जब गोरखपुर जाएंगे तो मैं आपको सागौन से बनी लकड़ी का फर्नीचर दिखाऊंगा, सारी चीज़ें। जल्दी मिलते हैं, ट्रैक्टर है मेरे पीछे, वो देखिए यहाँ भी है। आगे हमारे काफ़ी सारे गाय यहाँ पे भाई ब्लॉग कर रहे हैं, थोड़ा सा ओवर फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल, पागल कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा ओवर फील हो रहा है। सारे बच्चे पलट पलट के सब पीछे पीछे लग जा रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं सब पीछे सब पलट के ऐसे ही देख रहे हैं बच्चे से लेके बड़े तक। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा अपना घर, मैं अपने घर पे पहुंच गया हूं, अभी दिखाता हूं। ये देखिए मैं पहुंच गया अपने घर पे, तो हम अभी गोरखपुर निकलेंगे, उसको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। तो ये देखिए मेरी दादी बैठी है यहाँ पे और ये मेरी दादी की बचपन की दोस्त है मम्मी जाने ली जाने ली, देखिए मक्खी आ गई। दादी हेलो बोलिए, हेलो 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 आप बोलिए हेलो हेलो मम्मी नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो देखिए सारे जगह पे हम घूम घाम के आ गए हैं और अब लास्ट में जस्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट ये हमारे ये हमारी चाची हैं, ये देखिए चाची हेलो बोलिए तो हमारे चाचू हैं, इनका नाम महेंद्र चाचू है और ये हमारी चाची हैं, ये इनके बच्चे हैं, बड़े मज़ेदार तो ये इनकी शॉप है यहाँ पे और हम लोग हमेशा यहाँ से खाते पीते हैं, खूब खा के जाते हैं और ये हमसे पैसे नहीं लेती हैं, ये हमको बहुत बुरा लगता है लेकिन मैं एंड में दे जाता हूँ पैसे देखिए ले लिया रिफ्रेशमेंट नहीं, अब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है, अब सुकून उकून खत्म अब हर जगह वीडियो, हर दिन प्रैंक। कब आपके साथ प्रैंक हो जाए ना आपको पता नहीं चलने वाला है, ऐसा प्रैंक करूंगा ना इसकी जीजा फूफा ताया में भी नहीं किया होगा। ठीक है आज चलो आपसे शुरू, ठीक है देखते हैं। ये वही है हाँ, लेकिन ये लेकिन पीसी में जो पीसी मेरा कंटेंट भी बनेगा, कीबोर्ड पे ले जाके रख दे मेरा कंटेंट भी बनेगा। देखिए देखो भाई पबजी, अब तो PUBG भाई स्पॉन्सर कर दो क्या दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं आप PUBG क्या दिखा रहे हैं आप क्या दिखा रहे हैं सिद्धेश PUBG का चिप्स खेल रहा हूं PUBG अब अरे बंदा ओए अरे मारो मारो फोड़ो 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 इसको, गोलियां गोलियां देखिए कितनी सारी हैं। लो तो हम लोग गांव से जा रहे हैं वापस गोरखपुर घर और कल वो निकल जाएंगे लखनऊ। तो लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है भाई, गांव को यार मिस करूंगा बहुत ज़्यादा। यस मैं भी बोलूंगा क्योंकि मैं अभी ये वाला क्लिप लेने वाला हूँ क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो हम लोग अभी अपना मेन गाँव जो हमारा गाँव है उससे जा रहे हैं हम लोग अपने गोरखपुर वाले घर पर, तो हम लोग बाकी का व्लॉग वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यार गांव से जाने के बाद बुरा तो लगता है भाई, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और मतलब ये इतनी जो ग्रीनरी है और यार ये सब जो आप ये जो देख रहे हो आप ये सब
क्या यार। और ये बहुत ही प्यारा सा टनल आएगा, टनल से रास्ता है। टनल इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी पटरी के बीच में ना आ जाए। अच्छा पटरी है यहाँ पे, ट्रेन की पटरी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक वायरिंग वाली। अच्छा एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, तो उस वजह से अब गवर्नमेंट ये बना दिया। ओह नाइस। वही जब आते समय भी पड़ा था तो मुझे लगा कि ऐसे ही है, मतलब बना हुआ। ये अभी बना, नया बना। लाइट जला लो, ये था नहीं पहले। काफी पानी भरा हुआ है तो अब ले रहे हैं गांव से अलविदा, और गांव को बोलेंगे बाय बाय टाटा, बाय बाय। यस बाय बाय गांव, we will miss you bro. yes miss a lot, will miss you gaon. kya naam hai gaon ka? Paroraha. will miss you Paroraha. ye wahi nehar hai jahan pe humne photo shoot kiya hai bagal mein. bari log aur yahan pe ek bahut acha ye hai. तो भाई ये अभी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिली आज यहाँ गांव का। देखिए ये डीजे नाइट, और वो मुझे को डीजे आया हुआ है, डीजे है और मुस्कान डीजे, मुस्कान डीजे। और यहाँ पे ये मंदिर जो है, ये कोटमाई काली माई मंदिर है, काली माई मंदिर है ये, काली माई मंदिर ये मंदिर है, और बहुत फेमस है। किसी की शादी हो, ये लोग आशीर्वाद लेने आए हैं। ओ भाई नाइस यार, डीजे सेटअप देखो, डीजे आया है और फुल पावर सीन है भाई गाँव का, एकदम मस्त एकदम गांव का, है ना सागर? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो यहाँ पे शादी होती तो ऐसे होती है, फुल पावर डीजे के साथ। फुल पावर डीजे नाइट है आज, फुल पावर डीजे नाइट। ये देखिए ये है भाई गांव का एकदम असली देसी कल्चर। ठीक ठीक ठीक, गांव में शादी का मजा कुछ इस तरह लिया जाता है सब लोग। यहाँ का माहौल टाइट होगा रात में, हम चलने की कोशिश करते हैं, हम चलने की कोशिश करते हैं। लोग काफी भीड़ लगाए बैठे हैं, हो जाएगी हमको। ओके ओके बाय बेटा, बाय कर रहा बच्चा, बाय 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 बाय। अब देखिए मटन निकले हैं, इतनी ज्यादा हिल हमारी मेन नहर राइट साइड में देखिए चल रही है। ये मेन रोड है जहाँ से हम गोरखपुर से आते हैं, और ये दूल्हे की गाड़ी, ये दूल्हे की गाड़ी जो लोग पीछे पार्ट जो आप देख रहे थे पीछे, हाँ ये मेन नहर है जहाँ से हमारे गांव का रास्ता कटता है, और अब यहाँ से हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं। अब ये मेन रोड है, देखिये ये नहर है, ये यहाँ पे हमारा गाँव है राइट साइड में, ये देखिए इस साइड हमारा गाँव है वहीं पे, और वहीं से हम लोग अभी वापस आ रहे हैं। तो अब चलते हैं भाई, बाय बाय गांव, बाय 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 बाय। अब वापस शहर की नगरी में, सही है यार, वापस शोर शराबे में, भीड़ भड़ाके में, रश लाइफ, रश लाइफ, लेट्स गो विद नो पीस, विद नो पीस, ऑब्वियसली विद नो पीस, विद फुल ऑफ टेंशन, फुल शिट हेड्स, एंड लेट्स गो। तो गाइस ये देखिए हम लोग अब मेरे नेटिव, मेरे गांव से आ गए हैं नेटिव पे। अब ये गोरखपुर का वो है मेरा घर, ब्राउन और ब्राउन एंड क्रीम कलर, बहुत खतरनाक मोड़ है ये, मोड़ की गाड़ी। ओके तो ये पहले पूरा खाली था यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे हम लोग बहुत तगड़े से फुटबॉल और क्रिकेट खेलते थे, दादू बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। यस दादू वेट कर रहे थे, ये दादू है मेरे, ये घर है, ये अपना घर है, ये अपना घर है, दादू खड़े हैं, खतरनाक सा प्यारा सा घर। कर क्या रहे दादू, अपना बैठ के दादू को बोलता हूँ हेलो बोलने के लिए सबको। दादू हेलो बोलिए, हेलो हेलो बोलिए, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ओके तो बाकी का व्लॉग सेशन थोड़ी देर में, यहीं पे लगाया था, यहीं लगाया था। तो अभी मैं कार से निकल गया, तो हम लोग 50 किलोमीटर की ड्राइव करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। आज मैंने स्टार्ट कर दिया, एकदम भूत सवार हो गया। दिस इज़ समथिंग वेरी क्रेजी एंड फैसिनेटिंग, मतलब ये व्लॉग बनाना बहुत ही मज़ेदार काम है। ये दादू खड़े हैं, दादी हैं, ये रहा घर, हम लोग आ गए घर, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ अभी। ये देखिए मेरा घर है, और सब मेरे पे हंस रहे हैं, ये सिद्धार्थ भैया और सितिज, क्योंकि इन दोनों के पास आईफोन 11 है और मेरे पास आईफोन 7 प्लस, जिसमें वाइड एंगल कैमरा इतना नहीं है, है बट वैसा नहीं है, वाइड एंगल है ही नहीं लो।
खत्म कोई बात नहीं, बेइज्जती हो गई मेरी। तो ये है घर, दिखाते हैं अच्छे से घर। ये देखिए सामने पूरा ग्राउंड, यहाँ पे पहले पूरा ग्राउंड खाली था, यहाँ पे नए नए घर बनना स्टार्ट हो गए हैं अभी। ये पूरा यहाँ पे हम लोग फुटबॉल खेलते थे, अभी बारिश की वजह से यहाँ पानी भर गया है। बाकी ये पूरा ओपन एरिया मेरा घर, दादू यहाँ बैठते हैं हमेशा शाम को, दादू दादी दोनों यहाँ। ये देखिए हाँ, ये देखिए घर, बहुत ही प्यारा घर बनाया है पापा मम्मी ने, दादू ने दादी ने मिलके गोरखपुर में। अभी मैं आपको अपने घर का टूर कराऊंगा। यस, चलिए फिर अब मैं आप शुरू करता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अब घर का टूर। कैब रखी है आपने अंदर? ये अपने कैब के लिए बहुत घबरा रहे हैं। कैब याद नहीं है, अंदर ही होगी। ये है गेट, दिस इज लॉबी, यहाँ कार पार्क करते हैं जब हम आते हैं। ये सीढ़ी जा रही है छत पे पूरी वहाँ तक, और ये छोटा सा कैरी टाइप का है। नाउ दिस इज द मेन गेट। और जिस लकड़ी की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, गांव में सागौन की लकड़ी, मैंने आपको बताया था जिसका हमारा खेत में जो हमने सागौन की लकड़ी लगाई हुई है। ये सब आप फर्नीचर्स देख रहे हैं यहाँ पे, इस घर में जितना भी लकड़ी का काम हुआ है सब सागौन की लकड़ी से काम हुआ है। ये पूरा, और ये सोफ़ा इतना भारी है कि ये एक इंसान से हिल नहीं सकता। अच्छा हिला के दिखाऊं? आप हिला के दिखाइए। क्या इनाम लोगे? हाँ इनाम, जो आप ले लें तुम बताओ क्या इनाम, क्या क्या मैंने आप हिलाइए, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब हिलाना ही है, मतलब नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल टेबल जब आप हिलाते हैं तो जिस पावर से हिलाते हैं उस पावर से हिलाइए। नहीं क्यों, तुमने बोला हिलाइए। चलिए हिलाइए 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 टेबल। अच्छा रखो हाँ, शीशा हिल गया लेकिन नीचे से टेबल नहीं हिली। एक्चुअली भारी है, बहुत भारी है भाई यार, भारी है ना, बहुत ज़्यादा भारी है भाई। दिस इज एक्चुअली सागौन की लकड़ी से बना हुआ सारा सामान है यहाँ पे सब कुछ। तो ये मेरा ये मेन हॉल, ये सिटिंग एरिया है, ये आप कह सकते हैं डाइनिंग एरिया जहाँ पे टीवी लगी है, दादू यहाँ पे लेटते हैं टीवी देखते हैं। ये देखिए दादू दादी आराम कर रही हैं। ये बुक शेल्फ, पापा की सब पढ़ी लिखी चीज़ें हैं। ये किचन है, बहुत प्यार से बनाया है ये किचन भी। ये देखिए यहाँ पे मेरे मम्मी का चैनल है इंडी रसोई। हाँ तो मेरे को एक पहला इंस्ट्रक्शन, मतलब पहला सीख मिली कि पहली सीख कि अपने आप को भी दिखाओ व्लॉग में, सिर्फ चीज़ों को मत दिखाओ वरना बोर हो जाते हैं लोग। तो मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्चुअली, तो थोड़ा सा आदत में नहीं है अभी, बट जल्दी हो जाएगा। तो दिस इज़ द किचन, ये किचन है, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने मम्मा के चैनल के लिए, मम्मी के चैनल है इंडी रसोई स्पा एंड सैलून। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक्स कमेंट करिए वीडियोस पे जाकर, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं मम्मी, उस पर वीडियोज़ डालती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा डिश बनाया था, मैं आपको लिंक्स दे दूँगा, शेयर कर दूँगा इसमें भी इस वीडियो पर। तो ये है किचन, और ये है हॉल, मैंने आपको दिखाया ही था, वो रूम है दादी दादू का, और ये है सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं। यहाँ पे है हमारा वॉशरूम टॉयलेट, इधर है सिस्टम, और ये सीढ़ी ऊपर जाती है, तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं। शाम हो गई इससे लाइट मैंने जलाई नहीं, भूल गया मैं लाइट जलाना। ओके सो इधर रूम्स हैं जो हमने भी रेंट पे दे रखे हैं, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीज़न।
यहाँ पे ये है, ये माँ पापा का रूम है, सिद्धार्थ भैया लेटे आराम कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर छत पे जाते हैं, छत बहुत अच्छा है हमारा, एकदम टाइटैनिक जैसा। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा मेरा घर देख के, मेरा गांव देख के, मेरे नेटिव का घर देख के।